नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिले हैं जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बेहद ही लाजवाब जगह है। साथियों आज हम बात करते हैं दार्जिलिंग। साथियों बेहद ही खूबसूरत जगह है, यह पश्चिम बंगाल में पड़ती है। आपको यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए, यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। हमारे ही भारत में इतनी लाजवाब जगह घूमने के साथियों आपको वह जरूर घूमनी चाहिए। तो अपने काम से समय निकालकर साथियों एक बार घूमने दार्जिलिंग जरूर आए। आप यहाँ किसी भी समय में आ सकते हैं, हर समय यहाँ आपको एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप सर्दी के समय आ रहे हैं तो आपको यहाँ स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा, चारों तरफ बर्फ से आपको चादरें बिछी हुई दिख जाएंगी। अगर आप गर्मी में आ रहे हैं तो गर्मी में आपको यहाँ चारों तरफ हरियाली बहुत ही नायाब देखने को मिलती है, जो बेहद ही लाजवाब होती है। और बरसात के समय में यहाँ आपको बहुत ही सुहावना मौसम देखने को साथियों मिलता है। यहाँ आप कभी भी किसी समय में भी आइए, साथियों आप अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखकर लाएं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही आपको ठंड देखने को महसूस करने को मिलती है। आप यहाँ आकर साथियों टॉय ट्रेन का भी आनंद ले सकते हैं। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं किस तरह आप यहाँ आ सकते हैं और किस तरह घूम सकते हैं। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों आप दार्जिलिंग में घंटाघर के पास से ही टैक्सी बुक कर लें। अगर आप चाहते हैं 7 जगहों पर आसानी से एक दिन में घूम जाएं तो आपको टैक्सी बुक करना ही अच्छा है, नहीं तो आप कुछ जगहों पर आसानी से भी घूम सकते हैं टॉय ट्रेन से। टैक्सी वाला आपको 1500 रुपये चार्ज करता है पूरे दिन का, फिर आपको शाम में माल रोड पर ले आता है। अब बात करते हैं साथियों किस तरह हम दार्जिलिंग आ सकते हैं। दार्जिलिंग आने के लिए साथियों आप काफ़ी शहरों से आपको फ्लाइट डायरेक्ट मिल जाती है, जो आपको बागडोगरा तक एयरपोर्ट ले आएगी। वहाँ से आपको 85 किलोमीटर दूर दार्जिलिंग आना होता है, जो टैक्सी आपको किराया लेती है 2500 से 3000 रुपये आपको किराया लेती है। अगर आप से टैक्सी से आना चाहते हैं तो 500 रुपये तक में आप आ सकते हैं। लेकिन साथियों अगर आप सस्ते में आना चाहते हैं तो वहां से सीधा सिलीगुड़ी बस स्टैंड आ जाइए, वह आपको 10 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। वहां से आप सिर्फ 100 रुपये में बस द्वारा आसानी से दार्जिलिंग आ सकते हैं। और आप ट्रेन से दार्जिलिंग आना चाहते हैं तो साथियों आपको दिल्ली से काफ़ी ट्रेनें मिल जाएगी, अन्य शहरों से भी आपको ट्रेनें आसानी से मिल जाती हैं। वहां से आप ट्रेन लेकर सीधा न्यू जलपाईगुड़ी तक आते हैं, वहां से भी आप टैक्सी या बस द्वारा सीधा दार्जिलिंग आ सकते हैं। साथ ही दिल्ली से कोई भी बस सीधी नहीं मिलती है वहां के लिए, क्योंकि दूरी काफ़ी है, 1500 किलोमीटर आपको दूरी वहां मिलती है। तो अच्छा यही है आप ट्रेन द्वारा आइए, फ्लाइट द्वारा। बिहार से आप आ सकते हैं, कोलकाता से आप आ सकते हैं, सिलीगुड़ी बस स्टैंड से तो आप सीधा आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं साथियों आप कहां पर रुक सकते हैं। आपको होटल्स जो है माल रोड पर ले लें, वहां काफ़ी अच्छे और सस्ते मिल जाते हैं, 500 रुपये से 3000 तक आपको आसानी से रूम मिल जाएगा। और अगर आप और अच्छी फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो 5000 रुपये तक भी आपको रूम वहाँ मिलते हैं, नहीं तो आप गांधी रोड पर भी रूम ले सकते हैं, वह भी अच्छा होता है, वहाँ पे भी आपको सस्ते रूम मिल जाएंगे। और सबसे ही अगर सस्ते में आपको रूम चाहिए तो आप हॉस्टल ले सकते हैं। हॉस्टल में साथियों आपको 300 रुपये से 400 रुपये तक पे करना होगा एक रात का, जो काफ़ी सस्ता होता है। अब बात करते हैं साथियों कहाँ घूमें। आप 3 किलोमीटर तक पैदल ही कवर करें, क्योंकि पैदल घूमते हुए आप काफ़ी लोकल चीज़ों को देख पाते हैं और लोकल भाषा भी आप सुन पाते हैं। साथ ही 3 किलोमीटर दूरी पर जाने पर आपको हैप्पी वैली मिलता है, जो काफ़ी बेहद खूबसूरत है। यहाँ आपको 100 रुपये टिकट मिलता है। यहाँ जाकर आपको चाय के बागान देखने को मिलते हैं, जो आप यह देख पा रहे हैं। साथ ही बहुत ही लाजवाब वैली यहाँ की होती है, यह काफ़ी अच्छी वादियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। आप फोटो वीडियो शूट करें, काफ़ी अच्छे फोटो वीडियो यहाँ आपके आते हैं। और इतनी हरियाली, आप बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देख रहे होंगे। साथियों अगर आप टैक्सी नहीं ले रहे हैं तो आप टॉय ट्रेन का आनंद ले सकते हैं। अगर आप पैसेंजर टॉय ट्रेन ले रहे हैं तो काफ़ी दूरी तक आपको ले जाएगी, जिसका चार्ज 30 रुपये होगा। अगर आपके पास अच्छा बजट है, आप चाहते हैं कि एक अच्छी फैसिलिटी के साथ आप घूमें, तो आप 1500 रुपये पे कर सकते हैं। टॉय ट्रेन में आपको जाना होगा, जो आपको पूरा 1 घंटा सफ़र पहाड़ों के बीचों बीच आपको देखने को मिलता है। रोपवे, साथ ही आप रोपवे में भी जरूर घूमिए। पहाड़ों के ऊपर से जाते हुए जो नज़ारे आप देखते हैं, पूरा दार्जिलिंग आपको देखने को मिल जाएगा। चाय के बागान भी आप आसानी से देख पाएंगे जिस समय आप रोपवे में जा रहे होंगे। रोपवे में साथियों काफ़ी मज़ा आता है,
आपको यहाँ 200 रुपए का टिकट मिलता है, बच्चे को 150 रुपए का टिकट मिलता है। साथियों टिकट आप सुबह ही जाकर ले लीजिए, 10 बजे से काउंटर खुल जाता है और 11 बजे से रोपवे शुरू हो जाता है। साथियों यह टिकट दोनों तरफ का होता है, आने और जाने का, तो आप मजे लीजिए। साथियों घूम मोनेस्ट्री भी जा सकते हैं, यहाँ घूमना बहुत ही बेहद लाजवाब है, यहाँ आपको काफी अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। यह एक बौद्धिस्ट मठ है, यहाँ आपको बुद्ध प्रतिमा भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक भी टॉय ट्रेन आती है, यहाँ पे आपको स्टेशन मिल जाएगा। उस साथ आप यहाँ भी टॉय ट्रेन से जा सकते हैं, बतासिया लूप, यह भी बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ आपको चारों तरफ हसीन वादियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ टॉय ट्रेन रुककर जाती है, जिसका आप पूरा मजा ले सकते हैं और टॉय ट्रेन का भी आनंद ले सकते हैं। साथियों घूमने के लिए और काफी जगह है, लेकिन जितना हो सकता है मैंने काफी जगहों को कवर किया है और आप अच्छे से जानकारी ले पाए होंगे। साथियों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए।